बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द रेलवे इंफोटेक में। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं IRCTC द्वारा चलाई गई समर स्पेशल ट्रेन के बारे में, जिसमें आप गर्मियों की छुट्टी में नेपाल की यात्रा कर पाएंगे। साथियों, काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर और पोखरा की आसमान छूती बर्फीली वादियाँ हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पोखरा का सर्द वातावरण गर्मियों में सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। साथियों, 2 साल तक पाबंदियों के बाद एक बार फिर पड़ोसी देश नेपाल के हिमालय की वादियाँ सैलानियों को बुला रही हैं। ऐसे में यात्रियों की बढ़ती संख्या और नेपाल की सीमा तक जाने वाली ट्रेनों की संख्या में लंबी वेटिंग लिस्ट की समीक्षा के बाद रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। साथियों, इस पैकेज में हावड़ा से रक्सौल तक समर स्पेशल ट्रेन चलेगी और दोनों ओर से 8 मई से 26 जून तक हर रविवार को समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। साथियों, रेलवे ने नेपाल जाने वाले सैलानियों के साथ साथ उत्तर बिहार जाने वाले आम यात्रियों का भी ख्याल रखा है। ऐसे में समर स्पेशल ट्रेन में एसी और स्लीपर के साथ साथ 6 जनरल कोच भी जुड़ेंगे और झाझा, क्यूल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जाने वाले यात्री जनरल टिकट पर भी यात्रा कर पाएंगे। साथियों, आपको जानकारी की बता दें कि आम ट्रेनों की अपेक्षा स्पेशल ट्रेन में किराया कुछ अधिक चुकाना पड़ेगा और इसमें खास बात यह होगी कि इसमें तत्काल कोटे के जरिए टिकट बुक नहीं कराए जा सकते हैं। इसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। साथियों, इस ट्रेन के चलने से बंगाल के साथ साथ संताल के यात्रियों के लिए भी उत्तर बिहार जाने के लिए नई ट्रेन का विकल्प मिल गया है। साथियों, अब एक नज़र इस ट्रेन के टाइम टेबल पर डाल लेते हैं। साथियों, इसमें गाड़ी संख्या 03043 हावड़ा रक्सौल स्पेशल ट्रेन हावड़ा से रात 12:05 पर खुलेगी और सुबह के समय 3:15 पर आसनसोल और तड़के 3:45 पर चितरंजन, वहीं 4:48 पर मधुपुर व 5:15 पर जसीडीह के बाद दोपहर 2:15 पर रक्सौल पहुँचेगी। साथियों, वहीं गाड़ी संख्या 03044 रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन रक्सौल से दोपहर 3:45 रवाना होगी और जसीडीह रात 12:30 पर, मधुपुर रात 1:08, चितरंजन रात 1:53 पर और आसनसोल रात 2:45 पहुँचेगी। वहीं हावड़ा सुबह 6:30 पर पहुँचाएगी। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेन अपनी पूरी यात्रा में 696 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और लगभग 15 घंटे का समय लेगी। साथियों, यदि आप भी नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो बताए गए स्टेशनों पर पहुंचकर आप नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर आपको जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। वहां जाने के लिए आप केवल वोटर आईडी कार्ड व आधार कार्ड के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि 2 साल पहले भी नेपाल से भारत आने जाने के लिए ट्रेन का परिचालन होता था, लेकिन कुछ कारणों से 2 साल तक इस पर रोक लगी रही और अब पुनः रोक हट जाने पर भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सुविधा चालू हो गई है, जिसके माध्यम से पर्यटक नेपाल आ जा सकेंगे। साथियों, यदि आप भी नेपाल घूमने और पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने का प्लान बना रहे हों तो इस ट्रेन के माध्यम से आप नेपाल जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।